नेवर आउटशाइन द मास्टर। बहुत से एम्प्लॉयज अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। हालांकि ये उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो सकता है, लेकिन बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा नहीं है। ऐसे में आपका बॉस डिफेंसिव हो जाएगा। आपको हमेशा अपने से पोजिशन में ऊपर वाले लोगों को सुपीरियर फील कराना चाहिए। ये फील कराना चाहिए कि वो बॉस है, क्योंकि भले से ही आप बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ही अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन बॉस को हमेशा अपने पोजिशन का डर रहेगा। इसलिए या तो वो आपको फायर कर सकता है या तो आपकी ग्रोथ ही रोक देगा। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। अब ऑथर कहते हैं आपके फ्रेंड से ज़्यादा आपके एनिमीज आपका फायदा करा सकते हैं, क्योंकि अक्सर दोस्त आपकी ग्रोथ देख के जलने लगते हैं। हालांकि वो ये शो करेंगे कि वो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माइंड में जरूर होगा कि ये मुझसे आगे क्यों निकल गया। इसलिए आपको ये सीखना जरूरी है कि आप एनिमीज से कैसे काम करवाओ, क्योंकि कई बार आपके दुश्मन ही आपके सबसे अच्छे दोस्त बन सकते हैं, क्योंकि वो आपका ट्रस्ट गेन करना चाहते हैं और आपको ये भरोसा दिलाने के लिए कि वो आपके फ्रेंड है वो आपका कोई भी काम कर देंगे। और अगर उन्होंने आपको धोखा भी दे दिया तो इससे भी आपको ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही थे कि वो आपका दुश्मन है। तो ये है पावर का दूसरा लॉ, लॉ 3, कंसील योर इंटेंशन। आपको कभी भी अपने एक्शन किसी दूसरे इंसान को नहीं बताना चाहिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या आपके एम्प्लॉयज हो, क्योंकि अगर किसी इंसान को ये पता है कि आप क्या करने वाले हो और वो आपको पसंद नहीं करता, तो ये जाहिर सी बात है कि वो आपको रोकने की कोशिश करेगा और इसमें वो कामयाब भी हो जाएगा। जो इंसान अपने सीक्रेट्स छुपा नहीं सकता उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर आपके आसपास वाले लोग ही आपको रोक लेते हैं। तो दोस्तों इमेजिन करो, अगर आपने अपने दुश्मन को ये बता दिया कि आप उस पर कैसे अटैक करोगे, तो ऐसे में वो और भी ज़्यादा चौकन्ना हो जाएगा और डबल पावर से आप पे अटैक करेगा। सो अपने इंटेंशन कभी भी किसी को मत बताओ, चाणक्य ने भी यही कहा है। लॉ 4, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। कम बोलना एक पावर की तरह है, क्योंकि जिन लोग कम बोलते हैं उनकी वर्ड्स की वैल्यू दूसरों की नज़र में बढ़ जाती है। और इससे आपको ये भी फायदा होता है कि आप कुछ फालतू की बात नहीं करोगे, क्योंकि अक्सर जो लोग ज़्यादा बात करते हैं वो अपने एक्शन और अपने इंटेंशन वो लोगों को बता देते हैं। साथ साथ वो ये भी बता देते हैं कि वो फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हैं, जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है उनसे। तो आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे सोच समझ के ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आपके वर्ड्स अगर किसी को आपका सबसे अच्छा फ्रेंड बना सकते हैं, तो आपके वही वर्ड्स किसी को आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बना सकते हैं। लॉ नंबर 5, सो मच डिपेंड ऑन रेपुटेशन, गार्ड इट विथ योर लाइफ। किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी एक्टर के लिए, किसी भी इंसान के लिए उसकी रेपुटेशन ही सब कुछ होता है। आपने अक्सर ये लाइन सुनी होगी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। ये रेपुटेशन ही है जो लोगों से कुछ काम करवाती है, और यही आपकी सबसे बड़ी पावर है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर एक बार लोगों ने आपके बारे में एक गलत इमेज बना ली, तो उस इमेज को लोगों के माइंड से हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा अपने रेपुटेशन का ख्याल रखो। लॉ नंबर 6, कोट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। अगर आप किसी तरह लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो, तो ये आपके लिए एक पावर की तरह होगा। आज के टाइम पे लोग इतने ज़्यादा फैशन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल और हेयर कलर कराते हैं, और बहुत से एक्सपेंसिव चीज़ बाय करते हैं, जो पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन लोगों के ये अटेंशन को ग्रैब करती है। आप उस इंसान पर ज़्यादा गौर नहीं करोगे जो एक बाइक पर आया है, लेकिन आप उस इंसान को ज़्यादा फोकस दोगे जो BMW की न्यू कार में आया है। तो अटेंशन मैटर करता है आपकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए और आपको पावरफुल फील कराने के लिए। लॉ नंबर 7, गेट अदर टू डू द वर्क फॉर यू बट ऑलवेज टेक द क्रेडिट। निकोला टेस्ला एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। ऑथर कहते हैं आपको हमेशा दूसरों से काम करवाना चाहिए, लेकिन उसका क्रेडिट खुद ही रखना चाहिए। यह आपको पावरफुल बनाएगी और इसके लिए आपको ना तो टाइम और एनर्जी की वेस्टेज होगी। थॉमस एडिसन ने निकोला टेस्ला को काम पे रखा और इसके लिए उन्होंने उसे पे किया, जिससे बहुत सारे इन्वेंशन का क्रेडिट सिर्फ थॉमस एडिसन को चला गया जो निकोला टेस्ला ने क्रिएट की थी। अगर निकोला टेस्ला उसे खुद इवेंट करते और उसका पूरा क्रेडिट खुद रखते, तो इससे ना सिर्फ वो पूरा क्रेडिट ले पाते, बल्कि उससे भी ज़्यादा पैसे मिलते जितना थॉमस एडिसन ने उन्हें दिए। आज के टाइम पे भी बहुत लोग यही कर रहे हैं, वो अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज़ मतलब टाइम को बचाने के लिए अपने काम को आउटसोर्स करते हैं। तो आप भी उन चीज़ों पे फोकस करो जो आपको ज़्यादा वैल्यू देती है, और बाकी काम को आउटसोर्स करो, लेकिन उसका पूरा क्रेडिट खुद लो। लॉ नंबर 8, मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। आप कभी भी डायरेक्टली ही अपने दुश्मन पे वार मत करो, बल्कि उसे अपने पास लाओ, उसे चारा दो,
और उसे पहले रिएक्ट करने दो। इससे सिचुएशन आपके कंट्रोल पे आ जाएगी और अक्सर आपके दुश्मन हड़बड़ी में कोई गलत फैसला जरूर लेंगे जिससे आपकी पकड़ और भी मजबूत हो पाएगी और आप उसे एक ही वार में अपने दुश्मन को हरा पाओगे। लॉ नंबर 9, विन थ्रू योर एक्शन नेवर थ्रू योर आर्ग्यूमेंट। हमेशा याद रखो, कभी भी आप आर्ग्यूमेंट करके बहस करके जीत नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आप एक्शन लीजिए। अपने एक्शन के थ्रू उन्हें गलत साबित कीजिए, क्योंकि जब आप बातें करना छोड़ के एक्शन लेते हो और एक्शन के थ्रू अपनी बात को साबित करते हो तो ऐसे में आप और भी ज़्यादा पावरफुल लगते हो और सोसाइटी में लोग आपको पावरफुल मानते हैं। जब स्टीव जॉब्स को कंपनी के लिए खतरा मानकर उन्हें खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, तब उन्होंने ये प्रूफ करने के लिए कि वो बेटर है, उन्होंने किसी से झगड़ा या आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद की कंपनी पिक्सल बनाई, जिससे इनडायरेक्टली उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो किसी से कम नहीं है। लॉ नंबर 10, इन्फेक्शन अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियोस में कहा है कि अक्सर अनसक्सेसफुल लोग अनसक्सेसफुल लोगों के साथ ही रहना चाहते हैं और इसीलिए वो अपने लाइफ में कामयाब नहीं हो पाते। इसके अपोजिट सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल लोगों के साथ रहते हैं, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं। हमारी सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं जिन 5 लोगों के साथ हम रहते हैं हम धीरे धीरे उनकी तरह ही बन जाते हैं। अगर वो गरीब है तो धीरे धीरे वो अपनी मेंटालिटी आप पे भी हावी कर देंगे। अगर वो हाईली सक्सेसफुल है तो इससे भी आपको एक ग्रेट माइंडसेट मिलेगा जो बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपको पावरफुल बनाने के लिए। तो हमेशा उन लोगों को अवॉइड करो जो अनहैप्पी और अनलकी है, जो हमेशा रोते रहते हैं और ब्लेम करते हैं सारी दुनिया को कि उनकी सिचुएशन खराब है। लॉ नंबर 11, लर्न टू कीप पीपल डिपेंड ऑन यू। जो इंसान आप पे डिपेंडेंट होता है, मतलब समझो कि वो आपके कंट्रोल में है, अगर लोगों को आपकी ज़रूरत महसूस नहीं होगी तो या तो वो आप पे अटैक करके आपसे आगे निकल जाएंगे या तो अपनी लाइफ से आपको एलिमिनेट कर देंगे। सो हमेशा लोगों को अपने अंदर डिपेंडेंट रखो जिससे आप और भी ज़्यादा पावरफुल बन सको, क्योंकि जो लोग आप पे डिपेंडेंट है वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप हारो या आप पीछे रहो, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं का होगा। सो पावर में रहने का ये 11वां नियम। लॉ नंबर 12, यूज सिलेक्टिव हॉनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम। अगर लोग ये समझते हैं कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हो तो वो कभी भी आपको अपना सीक्रेट नहीं बताएंगे और वो आपसे डरे हुए फील करेंगे। तो इसके लिए ऑथर कहते हैं आपको हॉनेस्टी दिखानी होगी, आपको लोगों को ऐसा फील कराना पड़ेगा कि आप सच में उनकी केयर करते हो और कभी कभी उनसे छोटे मोटे सीक्रेट भी शेयर कर दो, शायद झूठ ही हो लेकिन वो उनका ट्रस्ट गेन करने में आपकी मदद करेंगे। लॉ नंबर 13, व्हेन आस्किंग फॉर हेल्प अपील टू पीपल्स सेल्फ इंटरेस्ट नेवर देयर मर्सी एंड ग्रेटिट्यूड। आजकल की सेल्फिश दुनिया में शायद ऐसा बहुत कम ही लोग होंगे जो ये याद रखेंगे कि आपने पास्ट में उनकी हेल्प की थी, लेकिन अगर आप उन्हें एक रीज़न दे दो अपनी हेल्प करने का, उन्हें एक रीज़न दे दो कि उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, तो वो कभी भी आपकी हेल्प करने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। आप आसानी से एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करके एक ऐसी सिचुएशन जिससे आपका ही नहीं उनका भी फ़ायदा हो। और हाँ, इस लॉ को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, क्योंकि इस लॉ को अच्छे से यूज़ करने के बाद आपको हमेशा हेल्प करने के लिए लोग खड़े रहेंगे। कभी भी आप ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपने उनके लिए अच्छा किया था इसलिए वो भी आपका अच्छा करे। लॉ नंबर 14, पोज एज अ फ्रेंड वर्क लाइक अ स्पाई। कौन इंसान आपको किस टाइम धोखा दे दे इसका कोई भी भरोसा नहीं हो सकता, इसलिए आप जब भी अपने फ्रेंड बनाते हो या जो भी आपके फ्रेंड है, कोशिश करो कि आप उनके सीक्रेट, उनके फेयर्स और उनके इमोशन को जान पाओ, उन्हें ये फील कराओ कि आप उनके सबसे अच्छे फ्रेंड हो, साथ साथ उन पर जासूसी भी करो। इट मीन्स उनके इमोशन के बारे में जानो कि वो किस टाइप कैसे फील करते हैं और वो किस चीज़ से डरते हैं। ये लॉ आपको कंट्रोल देगी एक बहुत ही पावरफुल और फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए। साथ साथ आपके फ्रेंड कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे और हमेशा आपकी मदद के लिए साथ में रहेंगे, क्योंकि आप उनके इमोशन को कंट्रोल करके उन्हें खुद भी कंट्रोल कर सकते हो। लॉ नंबर 15, क्रश योर एनिमी टोटली। ये बात चाणक्य ने भी कहा था कि आप कभी भी अपने दुश्मनों को दूसरा मौका मत दो, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो फिर से रिकवर हो जाएगा और डबल फोर्स के साथ आप पे अटैक करेगा और आप हार जाओगे। तो अगर आप अपने दुश्मन पे अटैक करते हो तो उसे टोटली डिस्ट्रॉय करो, उसे पूरी तरह से ख़त्म कर दो जिससे वो रिकवर ही ना कर पाए। और इसका सबसे अच्छा तरीका होगा कि आप उससे ही हाथ मिला लो, उसे अपना दोस्त बना लो या उसके माइंड में हॉनेस्टी या बिलीफ क्रिएट कर दो। यही तरीका है आपको अपने दुश्मन को टोटली ख़त्म करने का। लॉ नंबर 16,
यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड हॉनर। आपने खुद भी कभी ये गौर किया होगा, जो लोग हमारे पास नहीं होते हम उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट कर पाते हैं, उन्हें ज्यादा मिस करते हैं। क्योंकि अगर आप हमेशा अवेलेबल रहते हैं सभी के लिए, तो इससे दो चीज होगी, इससे आपकी वैल्यू कम हो जाएगी और दूसरा, लोग किसी न किसी तरीके से आपका एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे। तो शायद इसीलिए कोई एक्टर या आर्टिस्ट जब कोई इवेंट या किसी के शादी में जाता है तो वो तुरंत भी वापस आ जाता है, क्योंकि वो पावर में रहने की इस लॉ को जानता है कि जितने ज्यादा आप लोगों के लिए प्रेजेंट रहोगे आपकी वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी। लॉ नंबर 17, कीप अदर इन सस्पेंडेड टेरर। ऑथर कहते हैं आपको अनप्रेडिक्टेबल रहना चाहिए, जिससे कोई भी ये पता ना लगा सके कि आपके इंटेंशन क्या है। अक्सर हमारी आदतें ही ये जाहिर कर देती है कि हमारा नेक्स्ट मूव क्या है, जिससे कुछ क्लेवर लोग हमारा फायदा उठा सकते हैं। तो आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल कोई ऐसे एक्शन लो जिससे लोग हैरान हो जाए, जैसा लोगों ने एक्सपेक्ट ना किया हो आपसे, जिससे अगर कोई आपके लिए प्लान कर रहा है या आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ये बात समझ आ जाए कि आप कभी भी कुछ भी कर सकते हो। लॉ नंबर 18, डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट यूर सेल्फ, इसोलेशन इज डेंजरस। आपका ये सोचना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर आप अकेले हो जाओगे या अकेले रहोगे तो आप ज़्यादा पावरफुल होगे, बल्कि ऐसे में आप और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे और आपका कोई भी दुश्मन आपको आसानी से हरा सकता है। तो हमेशा भीड़ का हिस्सा बने रहो। ये थोड़ा अलग साउंड जरूर करता है, बट ये सही है। जब आप भीड़ में रहोगे तो आप ज़्यादा सेफ खेल सकते हो और भीड़ में आपके हारने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके कई अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं और अलग अलग फील्ड के लिए अलग अलग मीनिंग हो सकता है। आपके आसपास ही ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे नफरत करते होंगे, जो आपसे जलते होंगे और आपका बुरा चाहते होंगे। तो ऐसे में आप सोच सकते हो कि मैं एक महल बना लूं और उस महल में अकेले रहूं, चारों तरफ से बंद करके, जिससे कोई भी आप पे हमला ना कर पाए। बट ऐसे में आपके लिए और भी ज़्यादा खतरा है, क्योंकि अकेले रहने पर कोई भी आपको नॉर्मली टारगेट करके आपको हरा सकता है। इसीलिए आप भीड़ में रहो और भीड़ में रहते हुए अपना काम चुपचाप करते जाओ। ऐसे में आपको ढूंढना और आपको हरा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लॉ नंबर 19, नो हु यू आर डीलिंग विद, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, और अगर इस दुनिया में अच्छे लोग हैं तो इस दुनिया में बहुत बुरे लोग भी हैं। तो आपको फालतू में कभी भी किसी से पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कौन इंसान कैसा निकल जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। और ऐसे में अगर आप किसी गलत इंसान से भिड़ गए जो पावर में आपसे बड़ा है, तो शायद इसकी वजह से आपको बहुत सारे प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। अगर मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो किसी से कभी भी आर्ग्यूमेंट मत करो। अगर आपको लगता है कि बात आर्ग्यूमेंट तक जा रही है तो वहाँ से चुपचाप उठ के चले जाओ। ये ज़्यादा बेटर है इससे कि आप उससे आर्ग्यूमेंट करे जा रहे हो। इससे और कुछ नहीं होता, बस आप अपना दुश्मन बना लेते हो। सो नेक्स्ट चलते हैं 20 लॉ पर। डू नॉट कमिट टू एनीवन। आप कभी भी किसी से ये वादा मत करो कि मैं ये कर दूंगा, तुम फिक्र मत करो। हाँ, ये हो सकता है कि आप अपने कमिटमेंट को पूरा करो, लेकिन आपको इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान के कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंसान है आप खुद। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे को कमिटमेंट करते हो और अगर आपने उसे पूरा कर दिया तो वो उसे एक चैलेंज की तरह लेगा, या हो सकता है वो आपकी ग्रोथ से, आपकी सक्सेस से जलने लगे। दूसरी तरफ अगर आप उसे नहीं कर पाए तो वो आप पे हंसेगा और सोसाइटी भी आप पे हंसेगी, और आपकी बातों और आपके कमिटमेंट को हल्के में लेगी। तो सिर्फ अपने आप से कमिटमेंट करो और उस कमिटमेंट को सच में पूरा करो। ऐसा नहीं कि बस आपने बस बोल दिया और फिर भूल गए, क्योंकि ये आपकी पावर को कम करता है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो कोई कमिटमेंट करता है और उस कमिटमेंट को किसी भी हाल में कंप्लीट करता है, तो ऐसे में सोसाइटी आपको बहुत पावरफुल मानेगी, साथ साथ वो आपसे सीखेगी और आपकी तरह ही बनना चाहेगी। लॉ नंबर 21, प्ले ए सकर टू चेस ए सकर, सीम डिमर देन योर मार्क। इस दुनिया में सब इंसान अपने आप को सबसे ज्यादा स्मार्ट समझते हैं, लेकिन स्मार्ट इंसान सिर्फ वही है जो अपने आप को बेवकूफ कह सकता है। अब ये लाइन थोड़ी कॉन्ट्रेरियन जरूर है, क्योंकि अगर जो स्मार्ट होगा वो अपने आप को बेवकूफ क्यों कहेगा? वो ऐसा इसलिए कहेगा क्योंकि वो जानता है कि सब कोई अपने आप को इंटेलिजेंट और स्मार्ट समझते हैं। तो ऐसे में आप उनका फायदा उठा सकते हो ये बताकर कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। ये सिंपल माइंड ट्रिक है कि अगर आप बेवकूफ नजर आते हो तो लोग कभी कभी आपको अपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीक्रेट भी आपको बता देते हैं, जिससे आप अपने लिए उसे यूज कर सकते हो। तो ट्रिक ये है कि हमेशा उस इंसान से कमजोर नजर आओ जिसके साथ आप प्ले कर रहे हो। लॉ नंबर 22, यूज टू सरेंडर टैक्टिक्स, ट्रांसफॉर्म वीकनेसेस इनटू पावर। आपने कई मूवीज में देखा होगा, और हमारे इंडियन बॉलीवुड में तो ये बहुत ज्यादा फेमस है कि हीरो मरते दम तक लड़ते रहते हैं और लास्ट में वो जीत जाता है।
बट ऑर्थर कहते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा कमजोर हो गए हो अपने दुश्मन के सामने, तो कोई ज़रूरत नहीं है उससे लड़ने की, बस सिंपली उसे सरेंडर कर दो या फिर उसके साइड में हो जाओ। अब ऐसे में आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा रिकवर करने के लिए, या फिर आप वेट कर सकते हो कि उनकी पावर कब ख़त्म हो, या फिर बिना लड़े चालाकी से उसकी आर्मी को धीरे धीरे कमजोर कर सकते हो। तो पावर का 22वां नियम ये कहता है कि अगर आप कमजोर हो गए हो अपने दुश्मन के सामने, तो उसके साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, बस सरेंडर कर दो, उसके साथ हो जाओ और वेट करो उसकी पावर को ख़त्म होने का, या फिर चालाकी से उसे धीरे धीरे ख़त्म करते जाओ। तो अपने ईगो को हटाओ और सरेंडर कर दो, ये इससे बेटर है कि आप मर जाओ। लॉ नंबर 23, कॉन्सेंट्रेट योर फोकस। अगर आप किसी 10 चीज पे एक ही साथ फोकस करते हो, तो ऐसे में आप एक भी काम नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप अपना पूरा अटेंशन, पूरा फोकस किसी एक काम पे लगा दो, तो शायद कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। और दुनिया में ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिससे लोगों ने ये साबित किया है। तो किसी एक काम पे तब तक कॉन्सेंट्रेट करते रहो जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। लॉ नंबर 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। ऑथर कहते हैं आपको एक कोर्टियर बनना चाहिए, मतलब एक दरबारी। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि कोर्टियर अच्छी तरीके से सुनता है, देखता है और अपने दुश्मन से भी प्यार से हंस के बात करता है। वो कभी भी उन लोगों को टोकता नहीं है जो पावर में है, और इसीलिए वो लोगों का चहिता बना रहता है जिससे लोग उसे पसंद करते हैं। अगर मैं प्रेजेंट के टाइम की बात करूँ, तो ऑथर का मतलब है कि आपको मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप उसे देखो, समझो, हंस के बात करो, जितने हो सके उतने कॉन्टैक्ट बनाओ और अपने फील्ड के पावरफुल लोगों से सीखो, ना कि उन्हें एडवाइस दो कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि कभी भी एक मामूली दरबारी राजा को ये नहीं बताएगा कि उसे क्या करना चाहिए। सो लॉ नंबर 25, रिक्रिएट योर सेल्फ। आप भले ही बहुत बोर इंसान हो, अपने फील्ड में बहुत ही सीरियस हो, लेकिन अगर आप सोसाइटी में लोगों का अटेंशन ग्रैप नहीं कर सकते, तो लोग आपको भुला देंगे और समय आने पर कोई भी आपकी मदद के लिए खड़ा नहीं होगा। ऑथर इसे इस तरह कहते हैं कि आपको एक बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए। जैसे एक्टर फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, उसी तरह आपको रियल लाइफ में भी एक्टिंग करना चाहिए। अपने आप को एक ऐसा करेक्टर बना लो जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, जिसे लोग पसंद करते हो, जो दूसरों को हंसाता हो, और ऐसे में आप खुद भी ये फील कर पाओगे कि आपका एक नया जन्म हुआ है। आप अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हो और ये लॉ आपको सोसाइटी में बहुत पावरफुल बनाती है। लॉ नंबर 26, कीप योर हैंड क्लीन। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आप एक बहुत ही बदमाश टाइप के इंसान हो, लेकिन आपको ये बात हमेशा छुपानी चाहिए कि आपने कोई भी क्राइम किया है। आपको हमेशा ये शो करना चाहिए कि आप बहुत ही शरीफ इंसान हो, क्योंकि अगर लोगों को लगता है कि आपकी इंटेंशन गलत है या आपने पास्ट में कोई गलत काम किया है, तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते, साथ साथ आपसे डरने लगते हैं। और एक्चुअल में आप पावरफुल तब नहीं होते जब लोग आपसे डरते हैं, आप पावरफुल तब होते हो जब आप लोगों से घिरे रहते हो, सभी लोग आपको पसंद करते हैं और आपकी हेल्प के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो ऑलवेज कीप योर हैंड क्लीन। सो लॉ नंबर 27, प्ले ऑन पीपल नीड टू बिलीव टू क्रिएट ए कल्ट लाइक फॉलोइंग। इस लॉ का यूज तो आप डेली लाइफ में देख ही रहे हो कि किस तरह पॉलिटिशियन पब्लिक को ये विश्वास दिलाती है कि अगर वो जीत गए तो वो पब्लिक के लिए बहुत सारी चीज़ें करने का वादा करती हैं। नॉर्मली एक्टर्स और पॉलिटिशियन लोगों को आसानी से मैनिपुलेट कर लेते हैं उनके माइंड में कल्चर का एक बिलीफ पैदा करके, जिसकी वजह से लोगों को ये भरोसा हो जाता है और वो लोगों से अपना काम करवा लेते हैं। तो ऑथर कहते हैं कि आपको लोगों के माइंड में एक ऐसा बिलीफ, एक कल्चर पैदा करना होगा जिससे सारी ऑडियंस आपके पास आ जाए और आपकी मदद कर सके। लॉ नंबर 28, इंटरेक्शन विद बोल्डनेस। दोस्तों, ऑथर कहते हैं अगर आपको किसी काम को करने से पहले उस पर कंफर्म नहीं हो या आपको डाउट है, तो उस काम को मत करो, क्योंकि अगर आप अपने डाउटफुल माइंड से उस काम को करते भी हो, तो आप उसमें अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आप सबसे पहले उस डाउट को ख़त्म करो, उस काम को करने से पहले उससे रिलेटेड अच्छे से इन्फॉर्मेशन लो। लॉ नंबर 29, प्लान ऑल द वे टू द एंड। आपको हमेशा अपने एंड गोल के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में आपको रुकना कहाँ है। अगर आपका एक गोल है जिसमें आपने लिमिट नहीं लगाई है, डेडलाइन नहीं दिया है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस काम में ख़त्म हो जाएगी। तो हमेशा ये प्लान करके रखो कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, आपको कहाँ जाना है और कहाँ पे रुकना है। ये किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ में लगातार काम किए जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे रुकना है, तो इससे लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे और पावर तो दूर की बात।
लॉ नंबर 30, मेक योर अकॉम्प्लिशमेंट सीम एफर्टलेस। पावर में रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये दिखाओ कि आप हमेशा से इतने ही पावरफुल थे, क्योंकि अगर लोग ये जान जाएंगे कि आप भी पहले कमजोर थे और धीरे धीरे आपने प्रैक्टिस के साथ अपने आप को सुधारा है, तो शायद वो भी विश करेंगे कि वो भी आपकी तरह बने। तो ऑथर इस बात को इस तरह से कहते हैं कि आपको पावरफुल बनने के लिए ये दिखाना चाहिए कि आपको पहले से ही सब कुछ मिल गया, मतलब आप गॉड गिफ्टेड हो, आपके पास गॉड गिफ्टेड टैलेंट था, और जो भी आपने अपनी लाइफ में अचीव किया उसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इससे लोग आपकी पावरफुल साइड को देख पाएंगे और उनके माइंड में ये बिलीफ आएगा कि आपकी तरह बनना बहुत मुश्किल है, तो एक्चुअल में आप बहुत स्पेशल हो। लॉ नंबर 31, कंट्रोल द ऑप्शंस। अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दो जिससे आपके सामने वाले को लगे कि उसके पास कोई ऑप्शन तो है, लेकिन कोई भी ऑप्शन को चुनने पर आपका ही फायदा हो, इससे ना तो लोग आप पे शक करेंगे लेकिन उसका पूरा फायदा आपको ही होगा। जब भी आप किसी को कोई ऑप्शन देते हो तो सामने वाले को लगता है कि वो अपने कंट्रोल पे है, लेकिन आप उसे अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हो ऐसे ऑप्शन देके जिस ऑप्शन में उनसे ज़्यादा आपको फायदा हो, और ऐसे में वो आपको ब्लेम भी नहीं कर सकते कि आपने उनके साथ चलाकी की, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को चुनने का डिसीजन तो उन्हीं के पास था। लॉ नंबर 32, प्ले टू पीपल फैंटेसीज। हर इंसान की अपनी एक इमेजिनरी दुनिया होती है जिसमें उसकी कुछ फैंटेसीज, कुछ ड्रीम्स होते हैं जिसे वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, लेकिन वो कभी कभी इतनी ज़्यादा अनरियलिस्टिक होती है कि उसे रियलिटी में कन्वर्ट करना नियरली इम्पॉसिबल होता है। तो ऐसे में आप सिर्फ उनके साथ खेल के, मतलब उनकी फैंटेसीज और उनकी इमेजिनेशन पर बिलीव करके उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हो। तो दोस्तों, आज दूसरों की फैंटेसीज को जान के उन्हें अपने लिए यूज़ कर सकते हो, चाहे वो आपका कितना भी बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। अगर आप लोगों की फैंटेसीज को जान के उसे अपने लिए यूज़ कर सकते हो तो आप उसे आराम से हरा पाओगे। लॉ नंबर 33, डिस्कवर इच मैन थंब स्क्रू। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है, एक ऐसी कमजोरी जिसे जानकर आप उसे आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे उनके ड्रीम्स, उनके इमोशन, उनकी कोई इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि अगर आप लोगों के वीक पॉइंट जानते हो तो पहली बात वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, दूसरी वो आपके कंट्रोल में रहेंगे जिससे आप हमेशा पावरफुल रहोगे, जिससे आप आसानी से उनका एडवांटेज ले सकते हो। लॉ नंबर 34, बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक ए किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। देखो, एक कोट है कि आप जैसा ट्रीट लोगों को करते हो, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं, और ये आपके लिए भी सही है कि आप जैसा ट्रीट अपने आप को करते हो, लोग भी आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं। अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हो, वीक समझते हो, और बार बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हो, तो लोगों को भी ये आदत हो जाएगी आपको अंडर एस्टिमेट करने की। लेकिन अगर आप अपने आप को एक राजा की तरह, एक ब्रेव मैन की तरह ट्रीट करते हो, तो लोगों के व्यू में भी आपकी ऐसी ही इमेज बनेगी। तो पहले पावरफुल बनने के लिए आपको पावरफुल फील करना पड़ेगा, ये फील करना पड़ेगा कि आप एक्चुअल में पावरफुल हो, जिससे सभी आपको पावरफुल भी माने। लॉ नंबर 35, मास्टर द एक्ट ऑफ टाइमिंग। अपने लाइफ में अपने टाइम की इम्पॉर्टेंस समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तब भी आपको हमेशा पेशेंस रखना चाहिए। अगर आप बार बार किसी काम में हड़बड़ी करते हो तो या तो वो काम खराब हो जाएगा, या तो आपको उस काम के इतने ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितना उस काम के आपको रिजल्ट मिलने चाहिए। तो कभी भी हड़बड़ी में मत रहो, हर काम को करने का एक सही समय होता है, तो उस काम को उसी टाइम पे कंप्लीट करो। अपना टाइम बचाने के लिए कभी भी किसी काम में हड़बड़ी मत करो, इससे सिर्फ आपका घाटा होगा। सो लॉ नंबर 36, डिस्टेंस थिंक यू कैन नॉट हैव, इग्नोरिंग देम इज द बेस्ट रिवेंज। दोस्तों, अगर मैं इसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर क्या होता है, कई यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन उन्हीं फैन फॉलोइंग में से कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन यूट्यूबर्स को पसंद नहीं करते और फिर वीडियोस डिसलाइक करते हैं और बैड कमेंट भी करते हैं। तो फिर ऐसे में अगर आप उनके कमेंट के आंसर करते हो तो इससे उनकी पावर और बढ़ती है, और आप रिप्लाई देने के चक्कर में कुछ ऐसा भी बोल जाते हो जिससे आपके हेटर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि कभी भी फालतू की चीज़ों पर फोकस मत करो, क्योंकि जब आप किसी फालतू कमेंट पे रिप्लाई देते हो तो इनडायरेक्टली आप उसकी पावर को बढ़ा रहे होते हो। ऐसे टाइम पे इग्नोर करना सबसे बेस्ट रिवेंज होते हैं। तो लाइफ में ऐसे कई सिचुएशन आएंगी जब आपको लोग बुरा भला कहेंगे, तो ऐसे में आपको सभी से लड़ना नहीं है, बस उन्हें इग्नोर करना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए अपनी इमेज लोगों के सामने और भी ज़्यादा खराब कर लेते हैं। और मैंने जैसे पहले ही कहा था कि रेपुटेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। लॉ नंबर 37, क्रिएट कंपेलिंग स्पेक्टिकल्स।
जो लोग शोर शराबा करते हैं, मतलब इवेंट कराते हैं, ग्रैंड पार्टी देते हैं, वो अक्सर ज्यादातर लोगों के अटेंशन को ग्रैब कर लेते हैं। मतलब पावर में रहने के लिए ये बात तो तय है कि आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जिससे सारे लोगों का अटेंशन आप पे रहे। शायद इसीलिए पुराने जमाने में राजा लोगों के अटेंशन को पाने के लिए उत्सव, खेल और मनोरंजन कराते रहते थे, ताकि लोग उन्हें याद रखें और वो सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर ले। लॉ नंबर 38, थिंक एस यू लाइक बट बिहेव लाइक अदर। लोग उन लोगों को पसंद बिल्कुल नहीं करते जो उन लोगों से अलग सोचते हैं, तो कोशिश करो कि आप लोगों के हाँ में हाँ मिला सको, क्योंकि अगर आप लोगों से आर्ग्यूमेंट करते हो या उनसे कहते हो कि नहीं तुम गलत हो, तो इससे लोग आपसे दूर होने लगेंगे। या तो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करेंगे या लोग आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ऑथर कहते हैं, आप जैसा सोचते हो वैसा सोचो, लेकिन हमेशा ये शो करो कि आप दूसरों से भी एग्री हो। अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी सिर्फ अपने पास रखो। अगर लोग उससे एग्री नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं है लोगों को ये बात बताने की। लोगों को सिर्फ वही चीज अच्छी लगती है जो वो खुद मानते हैं। लॉ नंबर 39, स्टर अप वाटर टू कैच फिश। दोस्तों, अगर आप बिना लड़े पूरी वॉर जीत सकते हो, तो क्या जरूरत है आप खुद ही जाके लड़ो। इसी तरह आप आराम से खुद शांत रहते हुए अपने एनिमीज को गुस्सा दिला के उसे मजबूर कर सकते हो कि वो गलत डिसीजन ले, उसके एंगर और उसके इमोशन को कंट्रोल करके। क्योंकि लोग इमोशनल क्रिएचर होते हैं, चाहे कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल या स्मार्ट क्यों ना हो, अगर आप उसके इमोशन को, मतलब उन्हें गुस्सा दिला सकते हो, तो आप उस जंग को जीत सकते हो। लॉ नंबर 40, डिस्पाइज द फ्री लंच। दोस्तों, हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अगर कोई अनजान इंसान आपसे अचानक से ही बहुत क्लोज हो रहा है, फ्रेंडली हो रहा है, तो समझ जाओ उसका कोई ना कोई बेनिफिट जरूर है। और फ्री लंच से मेरा मतलब है कि कोई इंसान अभी आपको खुश करके फ्री लंच देके या किसी भी तरह आपको इनाम देके आपके इमोशन के साथ खेलने की कोशिश तो नहीं कर रहा है जिससे वो आपका फ्यूचर में बेनिफिट ले सके। तो इन सब चीजों को जरूर ध्यान रखो, क्योंकि इससे लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं। लॉ नंबर 41, अवॉइड स्टेपिंग इनटू ए ग्रेट मैन शूज। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि सचिन तेंदुलकर ने जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, अगर उनका खुद का बेटा भी उतने रिकॉर्ड्स बना ले, तब भी लोग उनकी इतनी इज्जत नहीं करेंगे जितने वो उनके फादर के करते हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके बेटे को उनके डबल रिकॉर्ड्स और उनसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं, कभी सक्सेसफुल लोगों की राह में मत चलो। ये थोड़ा सा गलत जरूर साउंड करता है, लेकिन ये सही है कि अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देख के कि वो अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल है, आप भी उसी फील्ड में जाने की कोशिश करते हो, तो आप बुरी तरह से फेल हो जाओगे, क्योंकि इसके लिए आपको डबल से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऑथर कहते हैं, आपको अपना रास्ता खुद चुनना चाहिए। वो मत करो जो आपके पेरेंट्स कर रहे हैं। अपने पैशन को फॉलो करो और अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने उस फील्ड में मास्टरी अचीव करो, ताकि लोग आपको किसी से कंपेयर ना कर सके, ना ही आपके फैमिली वाले से, ना ही दुनिया में किसी से। मैं फैमिली बिजनेस होते हुए भी यूट्यूब में सिर्फ इसीलिए आया ताकि मैं अपनी राह बना सकूं, अपना कुछ क्रिएट कर सकूं और अपने लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूं। लॉ नंबर 42, स्ट्राइक द शेपर्ड एंड सेफ विल स्कैटर। दोस्तों, हर फील्ड में एक लीडर होता है, एक बॉस होता है, जिसके कंट्रोल में ही सारे लोग होते हैं। तो ऑथर कहते हैं, उस इंसान को ढूंढो, उस पर अटैक करो और उसे अपने कंट्रोल में लाओ, क्योंकि अगर वो एक लीडर आपके कंट्रोल में आ गया, तो बाकी सारे लोग भी आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। अब अटैक करने का मतलब सिर्फ फाइट से नहीं है, बल्कि उसे इमोशनली कंट्रोल करो, उससे दोस्ती करो, उससे फैमिली जैसा रिलेशन बनाओ। अगर उस फील्ड में आपको पावरफुल होना है, तो ये करना बहुत जरूरी है। लॉ नंबर 43, वर्क ऑन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ अदर। देखो, अगर आप किसी इंसान को कोई काम करने को कहो जो वो खुद नहीं करना चाहता, तो वो नहीं करेगा, और ज्यादा फोर्स करने से उसके माइंड में ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो लोगों को आप इस तरह से उस बात को बता सकते हो कि लोग उस काम को करने के लिए इंटरेस्टेड हो, और ऐसा करके आप उन्हें कोई भी काम करवा सकते हो। आप लोगों की सिंपल साइकोलॉजी को समझ के उन्हें अपने लिए यूज कर सकते हो, क्योंकि साइकोलॉजी की समझते ही आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो सोचते कैसे हैं, उनकी वीक पॉइंट्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्त को किसी कॉन्सर्ट में ले जाना चाहते हो और ऐसे में आप उसे फोर्स करते हो, तो वो कोई ना कोई बहाना बना के वहां से निकल जरूर जाएगा। लेकिन अगर आप उसके सामने उस कॉन्सर्ट की इतनी तारीफ करो कि ये उसके माइंड में एक इमोशन क्रिएट कर दे, तो खुद आपको फोर्स करेगा इस कॉन्सर्ट में जाने के लिए। सो आप इसी तरह अपने दोस्तों और अपने दुश्मनों से भी अपने लिए कुछ अच्छा काम करवा सकते हो। लॉ नंबर 44, डिसआर्म एंड इन्फ्लुएंस विद द मिरर इफेक्ट। दोस्तों, अगर आप किसी के साथ प्ले कर रहे हो, किसी के साथ खेल रहे हो, और अगर आप चाहते हो कि आप उनकी स्ट्रेटेजीज को समझ लो, तो आपको उन्हें मैनिपुलेट करना होगा।
बिल्कुल वही करो जो वो कर रहे हैं, एक आईने की तरह। इससे वो आपकी स्ट्रेटेजीज को तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वो ये बात मानने लगेंगे कि आप कमजोर हो, और ऐसे में वो कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर देंगे जिससे आप उनकी स्ट्रेटेजीज को समझ जाओ। क्योंकि अगर आप एग्जैक्टली वही करते हो जो आपका दुश्मन कर रहा है, तो वो ये बात समझ ही नहीं पाता कि इसका मकसद क्या है, या फिर वो आपको टोटली इग्नोर करने की कोशिश करता है। लॉ नंबर 48, प्रीज द नीड फॉर चेंज बट नेवर परफॉर्म टू मच इट वंस। हर इंसान के लिए चेंजेस बहुत जरूरी होते हैं, और ये चेंजेस हमारे लाइफ में जरूर आएंगे, लेकिन हम डेली जो भी करते हैं उसमें हमारी आदतें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। और ऐसे में अगर हमने कोई बड़ा डिसीजन ले लिया किसी बड़े चेंज के लिए, तो हम उसे नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलो, छोटे छोटे डिसीजन लो। अगर आप एक साथ ही एक ही दिन में ज़्यादा पढ़ के या ज़्यादा एक्सरसाइज करके क्लास में टॉप करने की या मसल्स बिल्ड करने की कोशिश करोगे, तो इससे आपकी बॉडी में और भी ज़्यादा इंजरी आ जाएगी। तो कभी भी ये मत सोचो कि आप एक ही दिन में बड़ा डिसीजन लेके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला लोगे। चेंजेस कभी भी एक साथ नहीं आते, वो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप चल के आते हैं। कोशिश करो छोटे छोटे स्टेप लो, क्योंकि इसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लॉ नंबर 46, नेवर अपेयर टू परफेक्ट। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर इंसान यही दिखाना चाहता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसने अपनी लाइफ में कोई भी गलतियां नहीं की है। लेकिन ऐसे में अगर आप शो करते हो कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो, तो ऐसे में आप अपने कई दुश्मन बना लोगे। और ये बिल्कुल आम सी बात है कि जब लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसा इंसान है जो बहुत परफेक्ट है और जिसने अपने लाइफ में कभी कोई गलती नहीं की, तो अक्सर लोग उससे जलने लगते हैं और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो कभी कभी अपनी छोटी मोटी गलतियां लोगों को शो कर दो, जिससे लोग आपको भी अपनी तरह ही माने, और लोग आपको सिखाने की कोशिश करें जिससे आप उनका बिलीव गेन कर लो। लॉ नंबर 47, डू नॉट गो पास्ट द मार्क यू एम फॉर। बहुत सारे लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस अपने आप में ही एक एग्जाम की तरह है। ये बड़ी बात नहीं है कि आप सक्सेसफुल होते हो या नहीं, इम्पॉर्टेंट तो यह है कि आप उस सक्सेस को कितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हो। क्योंकि पहली सक्सेस की बात ही लोग बेवकूफ़ी कर देते हैं, वो अपने अंदर ईगो, ओवर कॉन्फिडेंस और मैं सब कुछ जानता हूँ वाला एटीट्यूड ला लेते हैं। तो हमेशा ये बात याद रखो कि आप जितने भी बड़े सक्सेसफुल हुए हो, दुनिया में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो आपसे भी अच्छे पोजिशन में हैं, और अपने लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए वो लगातार सीखते जा रहे हैं और सोसाइटी में अपने आप को पावरफुल बनाते जा रहे हैं। लॉ नंबर 48, अज्यूम फॉरलेसनेस। कभी भी आप अपने आप को इतना सिंपल और इतना सेम मत बनाओ कि लोग आपकी स्ट्रेटेजीज को समझ जाए। आप हमेशा कोई ऐसे मूव्स और ऐसे प्लान्स बनाओ जिससे लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हो कि आप नेक्स्ट क्या करने वाले हो। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर लोग आपको अज्यूम कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, तो आप दुनिया में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो आपके बेनिफिट लेने के लिए, आपके एडवांटेज उठाने के लिए रेडी हैं। तो कोशिश करो कि आप कुछ ऐसा एक्ट करो जिससे कोई भी इंसान आपको अज्यूम ना कर पाए कि आप करने क्या वाले हो। सो दोस्तों, फाइनली 48 लॉस ऑफ पावर इस बुक को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आई है तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर जरूर करना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, बुक समरीज और लर्निंग बेसिस वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।